खबर लोहरदगा से है, जहां पुलिस ने एक्सयूवी कार से 3 बोरे में रखे 149 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस की टीम को एक कार से नेम प्लेट और 41,000 रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने, और साथ ही पुलिस की छापेमारी की भनक मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में आरोपी के घर पर तलाशी ली, हालांकि आरोपी के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि सिन्हा थाने के कलहेपाट गांव का ये मामला है। संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 139 किलो गांजा बरामद किया है पुलिस ने, और पुलिस के नेम प्लेट वाली गाड़ी से यह रुपए बरामद किए जाने की बात कही जा रही है, क्या पूरी अपडेट इस खबर पर? हाँ बिल्कुल, हम बता दें कि लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के कलहेपाट गांव में तौफीक अंसारी द्वारा गांजा की तस्करी किए जाने की सूचना लोहरदगा एसपी हरीश बिन जामा को मिली थी, जिसके बाद लोहरदगा एसपी ने मुख्यालय समीर तिर्की के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इस टीम के वीडियो और अविनाश काम शामिल थे। पुलिस ने तौफीक अंसारी घर पहुंच के छापेमारी की। तौफीक के घर के कार पार्किंग में 5 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से एक एसयूवी कार से 3 बोरा में 139 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस की टीम एक कार से पुलिस का नेम प्लेट और साथ में 41,000 रुपये भी मिली है। हालांकि पुलिस छापेमारी की भनक पाकर आरोपी जो है वो फरार हो गया था। पुलिस दंडाधिकारी के मौजूद में घर में तलाशी ली गई है, आरोपी के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। रश्मि, वहीं हम बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले को लेकर लोहरदगा पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी की गई और लगभग 139 किलो गांजा बरामद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी रश्मि, शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सयूवी कार से गांजे की खेप पुलिस ने बरामद की है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।